फुटहेड ब्लॉग बनाया है नहीं, यू ही सो रहे हैं। पहले सोना होता है या ब्लॉग बनाना होता है? ब्लॉग बनाना होता है। फुटहेड क्या बदतमीजी है सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? यार आप उठे ना यार, सोने दो यार। यार पहले ब्लॉग बनाना है, सोना नहीं है, पहले उठे। नहीं अभी उठे, वो अभी ब्लॉग बनाया और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। Assalamualaikum viewer, welcome back to my YouTube channel। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों को समेट रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 8, ये देखें सूरज अभी बस निकला ही है, तो हमने कहा सूरज तो निकल आया है तो हम भी अपना जो चेहरा है ना वो रज़ाई से निकाल लें। तो अभी सुबह का जल्दी का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है, देखें हर कोई अपने काम काज पर जा रहा है। तो हमने अभी करना है नाश्ता, हम अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद जो भी हमारे दिन की रूटीन होगी इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चुप। गुड मॉर्निंग अनाया, उठ गई है अनाया, तो पूरी चुड़ैल बनी हुई है। आज हम बनाएंगे रोटी, हेल्दी रोटी बनाते रहते हैं, आज हम सीखेंगे। मुझे हाथ तो खुद बनानी आती है, मुझे बनानी नहीं आती, मैं की करना जे टिक्की मारनी है पहले। ठीक है, अरे कहना क्या चाहते हो? फाइनली जी वीवर, इतनी बढ़िया बनी रोटी कर ली है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। रोटी ये देखें, रोटी मेरी है। और आओ तो बाढ़ नहीं जा सके भाई, क्या तुमसे ना हो पाएगा। बाबूजी, बाबूजी, हाजी, अभी मुझे यही खानी पड़ेगी। बाबूजी, हाँ जी, हाँ जी। 2000 years later. चलें जी वीवर्स, हमारा नाश्ता आ गया है। अब ये ना पूछें कि इसमें क्या है, इसमें बहुत कुछ है। जो भी चीज़ें हमारी फ्रिज में पड़ी थी ना वो सारी हमने इसके अंदर मिक्स करके इसकी एक जो है ना सोबत बना ली है। थोड़ा सा चिकन, थोड़ा सा खीरा, थोड़ी सी मायोनीज, तो अब चेक करते हैं। मज़ेदार। नाश्ता हमने कर लिया है, अब हम पीते हैं चाय। एक कप चाय, आय हाय आय हाय आय हाय। पहली फुर्सत में निकल। चेकअप कर रही हो अपना? अपना चेकअप खुद ही कर रही हो? इधर मेरा चेकअप करो, इधर ऐसे ऐसे। सुनो क्या सुनाई दे रहा है। बवासीर एक आम समस्या है। इस वीवर जी, हमारा छोटा डॉक्टर है जो आजकल गैसें चेक करता फिर रहा है कि कौन कौन सी गैसें। ये डंगा डॉक्टर है, डंगा डॉक्टर है। दिमाग चेक कर, दिमाग इतने दिमाग इतने दिमाग चेक कर।
दिमाग चेक करो. गजब पे. नो 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 नो. घर बैठे हो रहे थे बोर, तो हमने सोचा कि कहीं बाहर चलते हैं, तो कुछ घर से बना के लेके जाते हैं. तो अभी आतिफ लेने गया है पुलाव का सामान, तो मैं जाता हूँ जाके प्याज टमाटर वगैरह काटता हूँ, ताकि उसके आने से पहले हमारा ये जो मटेरियल है ना ये बिल्कुल तैयार हो. तो अभी चलते हैं. प्याज मैंने कट कर दिया है, अभी टमाटर कट करते हैं और हरी मिर्च. ये रहा टमाटर, तो अभी टमाटर लेके चलते हैं और इसको भी कट करते हैं. चले जी, दो टमाटर बहुत होंगे मेरे ख्याल में. टमाटर और मिर्चों को भी मैंने टोटे टोटे कर दिए हैं, अभी बस आतिफ आता है तो फिर बनाना स्टार्ट कर दिया. आतिफ भी सामान लेके आ गया. ले आया सारा सामान? जी जी सारा ही आ गया सामान. वाह जी वाह, क्या क्या लेके आया? इमली लेकर आया हूँ, दही लेकर आया हूँ, खीरे, चिकन, चावल, चिकन, सही है, बिरयानी मसाला चाहिए होगा, ये अदरक लहसुन, इसके हमने ऐसे क्यूब बना के रखे हुए हैं, बस एक क्यूब डालते हैं हांडी में एक चीज़ में, बस इसको ये एक क्यूब्स जो है ये निकाल लेते हैं इधर, बाकी हम दोबारा जो है फ्रिज में रख देते हैं. आसान काम. ये सूट पहन के जाएगी? कपड़े आपके हैं? वाओ, कहाँ जाना है हमने? पार्क जाना है. चलो फिर जल्दी जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर चलें. ठीक है, चले. एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह. सलाद भी हमारा डन हो गया, रायता भी हमारा डन हो गया, हमारा काम यहाँ पे खत्म है बस. तुम्हारे कुछ पूछा मैंने कुछ? पुलाव का हमारा दम खुल गया है माशाल्लाह, अभी से मुँह में पानी आ रहा है, बस अब इसको बॉक्स में डाल रहे हैं, अब फिर चलते हैं. मैं अभी तैयार होके आ गई है. वाह भाई वाह, बाबू बन गई हो. वाह भाई वाह, छोने कपड़े पहन लिए हैं. Wow, beautiful! तो मैं जाके बाहर गाड़ी निकालता हूँ. कहाँ गई चाबी गाड़ी की? ये रही गाड़ी. चलें जी, चलें जी, चलें जी. इनसे हमें गाड़ी निकाली नहीं थी, तो गाड़ी देखें कितनी गंदी हो गया. ये देखें, ये इतनी मिट्टी है अभी गाड़ी के ऊपर, तो अभी मैं गाड़ी साफ कर लेता हूँ. काफ़ी दिन से गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है, मैं तो गाड़ी साफ कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम निकलते हैं. मुस्तफा मुज्तबा. हम पहुँचे हैं गुलजार सादिक पार्क भावलपुर. पार्किंग में अभी गाड़ी लगाते हैं, फिर चलते हैं सीधा पार्क में. भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, पहले हम जाके खाने पे टूटेंगे, फिर बाकी देखेंगे. असल माल तो तुहाडे कोल है सर जी, साढ़े कोल तो खाली बर्तन ही है. चटाई हमने निकाल ली है, लंगर का सामान हमने निकाल लिया है, नीचे चटाई भी छा दी है. तो सबसे पहले हम करेंगे लंच भी कह लें, डिनर कह लें, ये करेंगे, उसके बाद बाकी पार्क. क्लास में तो रश नहीं है, लेकिन उस तरफ रश है. तो अभी शाम भी होने वाली है, सूरज बस अपने ढलने वाला है, और आधे घंटे में मगरब हो जाएगी. माशाल्लाह जी, अब खाते हैं हम. मज़ेदार.
मजेदार माशाल्लाह जी, खाना हमने खा लिया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे खाना खाते खाते फुल मगरब हो गई है, बस अभी अजाने होने वाली हैं। अभी सामान रखते हैं गाड़ी के अंदर, फिर नमाज पढ़ते हैं क्योंकि अजाने वगैरह भी हो रही हैं। A few moments later, अभी अनाया कर रही थी जिद, आता सनाया को लेके, ये सामने वाला झूला है गोल गोल घूमता है, तो ये दोनों अब इस पर बैठेंगे, यहाँ से लेंगे टिकट भाई लोग। तब फौरन आया जा रहे हैं, इस झूले के अंदर बैठेंगे। अभी चार पांच सवारियाँ और आएंगी तो ये चलेगी, अभी तो यही है। कुछ पूछा मैंने। सफ़र काफ़ी लंबा है और काफ़ी दूर जाना है, ये लो खाने पीने की चीज़ें रख लो रास्ते में। कहती है बहुत भूख लगी है ना को, तो वो कह रही है मुझे चीज़ दो मिनट। रास्ते में आप लोगों का दिल घटेगा ना, तो ये आप लोग खा लेना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया भैया, गाड़ी भाई चल पड़ी है। बनाया जब भी इस पार्क में आती है ना, तो ये झूला लाजमी लेती है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। इधर हमें डक्की भाई मिले हैं, हम उनके लिए पॉपकॉर्न ले रहे हैं, खुद भी खाएंगे साथ उनको भी खिलाएंगे। ये डक्की भाई इधर क्या कर रहे हैं? डक्की भाई ये ले डक्की भाई खाएं। चुप कर बे कुत्ते। ये हमारे पास चावल है, अरे भाई नीचे फेंक दे, खा लेंगे खुद ही। बतख को खाना खिला रही है, इनको खिलाओ, उनको खिलाओ। वाओ गुड, वाओ। ये खरगोशों को भी डालेंगे थोड़े से, माशाल्लाह ये भी बड़े मदद से खा रहे हैं। ऐसे तो ले होता है। आप भी खिला रही हो चिप्स? नहीं। बाहर हो गया फुल रात और अभी कुछ करने को, कुछ दिखाने को है नहीं, तो अभी हम सीधा जा रहे हैं घर। अगर आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।